नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भाजपा और जेडीयू के तनाव के बीच राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार भाजपा और एनडीए गठबंधन छोड़ते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाते हैं तो विपक्ष उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि विपक्ष एनडीए गठबंधन के दोनों दलों के बीच तनाव के चलते बिहार घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। आरजेडी नेताओं ने कहा कि भाजपा गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार पर अपना अधिकार जता रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद से बिहार में दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू भाजपा पर गठबंधन धर्म का पालन ना करने का आरोप भी लगा चुकी है। इसके अलावा जेडीयू बिहार में लव जिहाद कानून की संभावनाओं को भी नकार चुकी है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा सोमवार को डैमेज कंट्रोल में आ गई है। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन अनब्रोकेबल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे लेकिन बिहार में सीएम पद के लिए एनडीए के स्वाभाविक विकल्प वही थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहने के लिए अनिच्छुक थे। वो तब जाकर राजी हुए जब उन्हें याद दिलाया गया कि एनडीए ने उनके नाम पर वोट मांगे थे। इस मामले में जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अगर आप जेडीयू में किसी से भी बात करेंगे तो हर किसी को लगता है कि एलजेपी के चिराग पासवान बिहार चुनाव में भाजपा के ही प्रतिनिधि थे। वो कई सीटों पर हमारी हार की वजह बने। अब अरुणाचल घटनाक्रम से भरोसा और कम हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। इधर विपक्षी पार्टी राजद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा और जेडीयू पानी की गहराई का जायजा ले रहे हैं मगर संकट अस्पष्ट दिखाई देता है। बिहार में प्रतिक्रिया जाने बिना अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल कराने का कोई तुक नहीं बनता। जेडीयू ने मौखिक रूप से इस पर प्रतिक्रिया दी मगर वास्तव में कुछ न कर सकी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की घटना पर जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नाराजगी व्यक्त की। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने न कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया है और न ही कभी करेंगे। हालांकि अब अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एनडीए गठबंधन पर क्या असर पड़ता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।